विचार किया कि कन्हैया में और रानियों में झगड़ा करा देना चाहिए, क्योंकि कल है प्रिय थे ना, झगड़ा करा देना चाहिए। नारद जी आए और भगवान ने 16108 भवन बना रखे थे, उनमें एक एक देवी रहती थी। और नारद जी ने विचार किया कि चलो कन्हैया को देखें और जहां पे होंगे जहां पे नहीं होंगे बस वहीं झगड़ा ठहर जाए। नारद जी आए और नारद जी ने जैसे ही रुक्मणी मैया के महल में प्रवेश किया तो भगवान श्याम सुंदर की रुक्मणी मैया सेवा कर रही थी। रुक्मणी मैया सेवा कर रही थी। उस समय नारद जी को देख करके भगवान ने कहा, आइए रिसीवर, आइए, स्वागत है, आइए आइए महाराज। कहां से पदार्पण हुआ, कैसे पदार्पण हुआ? नारद जी बोले, सब प्रसन्नता है, बस आपके दर्शन करने के लिए चले आए थे। और महाराज आप तो जानते ही हैं कि मैं अधिक कहीं रुकता नहीं। अच्छा ठीक है। और दूसरे भवन में पहुंचे सद्भामा जी के, तो वहां पर भी भगवान श्याम सुंदर सेवा ले रहे हैं। नारद जी ने कहा, जय हो गोविंद। आइए महाराज जी, आइए आइए पदार्पण। कैसा पदार्पण? कुछ नहीं कन्हैया, बस चले आए। इसी प्रकार से नारद जी ने 16108 सभी भवनों में गए। कहीं पर भगवान कुछ कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ में पंसद सारी खेल रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब नारद जी ने विचार किया कि मंत्रियों को भड़का देना चाहिए कि ये तो 16000 पत्नियों के साथ में मस्त रहते हैं। जब दरबार में जाकर के देखा तो वहां दरबार लगा है यदुवंशियों का, और वहां पर श्याम सुंदर, वहां पर श्याम सुंदर को जब देखा नतमस्तक हो गए। मेरे कन्हैया को देख करके मन नतमस्तक हो गए। कहा, कन्हैया वास्तव में आपको धन्य है। यहाँ पर हस्तिनापुर में महाराज पांडव धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता को चिट्ठी लेकर के भेजा, जाइएगा महाराज। ब्राह्मण देवता ने कहा, कन्हैया महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, यशमेघ यज्ञ करना चाहते हैं। उस समय कन्हैया ने पत्र को पढ़ा और आए। जब आए श्याम सुंदर हस्तिनापुर आए तो कहा, महाराज आप यशमेघ यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि पहले आपको जरासंध को जीतना होगा, और जरासंध को इस प्रकार से नहीं जीत सकते हैं आप। कहा, क्यों? कहा, जरासंध को वरदान है, जरासंध को ऐसे नहीं जीत सकते आप। तो कहा, किस प्रकार से जीतेंगे? कहा, एक काम करिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, सेना लेकर के और कन्हैया जाओ और जिस प्रकार से हो सके जरासंध को जीतो। कन्हैया बोले, दादाजी इस प्रकार से नहीं जीता जा सकता जरासंध को, बस मुझे केवल में केवल अर्जुन और दादा भीम चाहिए। साधु का वेश बना करके और चले। उस समय देखिए कैसी छटा थी भगवान श्याम सुंदर की। काले घुंघराले बालों में, काले घुंघराले बालों में खाकी रंग रहे मसाले थे। साधु का विधान किए हुए खाकी रंग रहे मसाले थे, और लकुटी की जगह पलाश दंड। अच्छा देखिए, जो लकुटी लिए रहते थे भगवान श्याम सुंदर, मैंने कल बताया था, आज वो नहीं है, आज तो छोले का
सीधी कहे ना, आया तो छोले का डंडा था हाथ में, पलास अलास का एक छोले का डंडा था हाथ में, लकड़ी की जगह पलास दंड और मुरली वाले कर में माला, जिससे मुरली बजाते थे आज उसमें माला लिए हुए, हाँ माला लिए हुए हैं। यह हरे हमारे विसंभाव गुमरग छाला बाला ब्रजबाला, आज आज जहां पीतांबर धारण करते थे आज वहां पर वृक्षाला को धारण कर लिया, वृक्षाला को धारण कर लिया और आए जरासंध के दरबार पर। जरासंध के दरबार में खबर जनाई, बुलाए गए तीनों साधुओं को, कहा महाराज हम चाहते हैं आपसे कुछ भिक्षा कुछ दान चाहते हैं। महाराज क्या चाहते हैं? यो दोनों दे ही राजन दे, राजन हम युद्ध चाहते हैं आपसे, आपने तिरवाचा भर दिया। युद्धम नो दे ही राजन दे द्वंद सो यदि मन से, युद्धानार्थो वयम प्राप्ता राजन्ना नानकं छड़ा। महाराज हमको अन्न नहीं चाहना है, हमको धन नहीं चाहना है, हमको युद्ध चाहना है। जरासंध कहा साधु हो कौन हो तुम, जब ये पूछा कौन हो तुम तो कन्हैया मुस्कुराए। अच्छा जब कन्हैया मुस्कुराते हैं तो अलग ही पहचान होती है उनकी, और जैसे ही मुस्कुराए जैसे ही जरासंध समझ गया, जैसे ही जरासंध समझ गया हो ना हो तो धोखा हो गया, चल हो गया, मैंने दरवाजा भर दिया। और कन्हैया बोले बोले मुस्कुरा करके बोले बोले राजन राजन ये जो बड़े पेट के दिख रहे हैं, ये बड़े पेट के दिख रहे हैं, हाँ ये और कोई नहीं है, ये कुंती नंदन भीम है। जय हो, ओ भीम, हाँ और ये दूसरे जो छरहरे बदन के दिख रहे हैं, छरहरे बदन के दिख रहे हैं, ये कुंती नंदन पार्थ हैं। अच्छा अच्छा तो तुम वो भगोड़े कृष्ण हो जो मुझसे युद्ध करते करते भागे थे, तुम हो, क्या चाहते हो युद्ध? कहा हाँ हम युद्ध चाहते हैं। कहा तुम भगोड़ों से कौन युद्ध करेगा? अब देखो भगवान ने जिसे 17 बार हराया और एक बार कन्हैया भागे तो आज भगोड़े हो गए, तुम भगोड़ों से कौन युद्ध करेगा? ना मालूम कब युद्ध से भाग जाओ, कूले मटका करके, कूले मटका करके कब युद्ध से भाग जाओ। अच्छा अब रही पार्थ की बात, तो बेचारा पार्थ क्या करेगा? दुबला पतला इसकी पतली दिख रही, एक घूसा मार दूंगा चकनाचूर हो जाएगा, क्या युद्ध में आनंद आएगा? अरे युद्ध अगर हाँ ठीक है ठीक है, भीम से युद्ध हो जाएगा, भीम से युद्ध हो जाएगा। क्यों? कहा परीक्षित जी महाराज से, सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा उस समय जरासंध ने, अहम तो बयास्तुल्लो नीत सत्तो ना बेसमा, अयम तु बयस्तुल्लो, ये मुझसे बयस में भी छोटे हैं, तुम छोटे हो भगोड़े और अर्जुन छोटा है वैश्य में, और अर्जुन भी छोटे हैं, अर्जुनो ना भवेत योद्धा, ये छोटे ही क्या युद्ध करेंगे? भीमस तुल बलो ममा बलो समा, हाँ भीम है मेरे समान, अगर युद्ध करना है तो भीमस तुल बलो ममा, मेरे समान बल में। अच्छा अब ये मालूम कैसे है इसे?
विचार करेंगे, कथाएं होती हैं, विचार करेंगे, विचार करेंगे कि ये संबल कैसे है, इसे ये जानकारी कैसे है कि मेरे समान बलवान है। एक बार की बात है, अच्छे से होता है यहाँ के, एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ के पास में केदारनाथ पर, केदारनाथ में जरासंध और दुर्योधन और भीम इनका बैर नहीं था। तब भगवान भोलेनाथ से मल्ल युद्ध सीखने के लिए गए थे, मल्ल युद्ध सीखने के लिए गए और भगवान भोलेनाथ तीनों को मल्ल युद्ध सिखाते थे, तीनों को मल्ल युद्ध सिखाते थे। एक दिन की बात, एक दिन की बात की बहुत खाते थे भीम तो, और भोजन पाने के लिए बैठे तीनों तीनों छात्र। मैया पार्वती जी परस रही थी, जब मैया पार्वती परस रही हो, अन्नपूर्णा माँ परस रही हो और भीम जैसे खाने वाले बैठे हो, अन्नपूर्णा परस रही हो, देखिए भोजन। अब साहब जरासंध ने तो भोजन जितना पाया सो पाया और उठ गए, और उस समय दुर्योधन भी चल दिए, लेकिन लेकिन भीम भीम जी तो भीम जी भोजन पाते रहे, अन्नपूर्णा मैया परसती रही, भोजन पाते रहे पाते रहे, लेकिन लेकिन विद्या अध्ययन का समय निकल गया। जय हो। जब समय निकल गया, जब समय निकल गया तो उस समय जैसे ही भीम पहुंचे, भोलेनाथ बोले, बोले बस आज मैंने वो विद्या सिखाई थी, आज मैंने वो विद्या सिखाई थी कि 1000 हाथियों को तुम मार सकते थे अकेले, 1000 हाथियों का वध कर सकते थे अकेले, लेकिन लेकिन भोजन के भांडे हो तुम तो, और तुम तो भोजन के भांडे हो यानी बर्तन हो, इतनी देर में आए, अब मैं ये आखिरी दिन था, अब मैं विद्या अध्ययन नहीं करा सकता आपको। बेचारे बहुत परेशान हो गए, उधर से लौट करके आए, बहुत रोए पार्वती मैया के पास में, मैया के चरणों में गिर के। मैया बड़ी दयालु होती हैं, मैया बड़ी दयालु होती हैं, छाती से लगाया, बताइए भीम क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो? कहा भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने मेरे गुरु भाइयों को, दोनों भाइयों को 1000 हाथियों से लड़ने की शिक्षा दे दी है और मुझे वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। कहा पार्वती मैया ने कहा लाल रोइए मत, मैं भी उनको वरदान दे दूंगी, लेकिन तुम रोइए तो मत, मैं तुमको वरदान दे दूंगी, उन्हें भी वरदान देती हूँ। भोलेनाथ ने तो उनको 1000 हाथियों के बल से बल की शक्ति दी है, लेकिन मैं वरदान देती हूँ, मैं वरदान देती हूँ उनको कि एक नहीं वो 10000 हाथियों का बल हो उनमें। अब तो और घबरा गए, अब तो और घबरा गए भीम, भीम मैया ये क्या किया आपने, मैं तो कोरा का कोरा रह गया। कहा नहीं लाल, तुम कोरे के कोरे नहीं रह गए, तुम में भी 10000 हाथियों का बल होगा और तुम 10000 हाथियों के बल वालों को मारने वाले होगे। जय हो। मारने वाले होगे उस समय, इसलिए इसलिए जरासंध को यह मालूम था कि ये मेरे समान बलवान है, मेरे समान बलवान है। यहां पर स्वीकृति दे दी, भीम से युद्ध होगा और भीम से युद्ध हुआ। भीम से जब युद्ध हुआ तो उस समय भीम को भी मुश्किल पड़ गई, उससे युद्ध करने के लिए मुश्किल पड़ गई, लेकिन लेकिन भगवान श्याम सुंदर बहुत चतुर हैं, भगवान श्याम सुंदर बहुत चतुर हैं, विचार करते हैं कि भीम जब मुझसे कुछ पूछेगा तब मैं बताऊंगा। देखिए अगर कोई रास्ते में चला जा रहा हो और वैद कहे इतिया भैया हम तुम्हें दवाई दे दे, तो वो कहेगा पागल हो गए, पागल हो गए। और जब कोई पूछेगा महाराज यहाँ कोई वैद है दवाई देने वाला है, ऐसी बीमारी है,
तब कोई बताए तो बहुत अच्छा होता है। कन्हैया कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, युद्ध हो रहा है, दिन रात युद्ध हो रहा है, 27 दिन हो गए युद्ध होते होते। भीम की भी नस नस ढीली हो गई। एक दिन कन्हैया से बोले, बोले कन्हैया एक काम करिएगा, रात के भाग चलिएगा। कन्हैया बोले क्यों क्यों भाग चले? अरे कहा कन्हैया तुम दो दो तीन तीन चार चार बार भागे, अरे एक बार मेरे साथ भाग लो, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, 27 दिन हो गए इसका बाल भी बाकी नहीं हो रहा है। कन्हैया बोले बोले तुम मेरी ओर देखते ही नहीं हो, तुम तो अपने बल का भरोसा है, तुम मेरी ओर देखते नहीं हो। संसार की भी यही स्थिति है, संसार की भी यही स्थिति है, अपने बल पर भरोसे करते हैं पर परमात्मा पर नहीं करते भरोसा। एक बार इनकी ओर देख लो, आनंद आ जाएगा। और यही हुआ, यह हुआ कल के युद्ध में, तो मेरी ओर देख लो, ठीक है। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन और भीम जी गए, युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ 28वें दिन, भगवान श्याम सुंदर की ओर देखा भीम ने, जब बिल्कुल अस्त पस्त हो गए, अस्त व्यस्त हो गए, देखा तो भगवान श्याम सुंदर ने एक तिनका लिया और चीर दिया उसे। समझ गए भीम जी, समझ गए। भीम ने भी यही किया, उसकी दोनों पैरों को पकड़ा और बीच से चीर दिया, चीर करके फेंका। जैसे ही फेंका और वह फटे हुए दो फांक दौड़ करके मिल गए। अब तो भीम के भी होश बिगड़ गए कि मैंने इसे चीर दिया और फिर भी ये जुड़ गया, अब कैसे मरेगा ये? भगवान श्याम सुंदर बोले मेरी ओर देखते, अरे मैंने चीरा था लेकिन तुमने बस इतना ही देखा, तुमने देखा नहीं गौर से। व्यक्ति विद्वान को, व्यक्ति भगवान को, व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को समझता नहीं है, देखता नहीं है गौर से। हाँ हाँ हो जाएगा ऐसा काम हो जाएगा, चल दिए कर, और नहीं हुआ, तुम देखते नहीं हो, अब देखना। भगवान श्याम सुंदर ने तिनका लिया, युद्ध हो रहा है, भगवान श्याम सुंदर ने उस तिनके को चीरा और एक तिनके को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया, ये इशारा कर दिया। जब ये इशारा किया तो उस समय भीम ने ही ऐसा ही किया, फिर चीर करके एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। भगवान श्याम सुंदर ने नीचे बैठ करके और रेता को इस प्रकार से इशारा दिया, इस प्रकार से बीच में शिवलिंग बना दो, इसे बना, और भीम ने दौड़ करके शिवलिंग बना दिया बीच में, बस वे दोनों के दोनों हिस्से अलग हो गए, खत्म हो गए। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए ऐसा हुआ कि ये जब जन्मा था तो आधा आधा जन्मा था। क्यों? इनके पिताजी ने तपस्या की और तपस्या करके इन्होंने एक महात्मा से फल प्राप्त किया था। महात्मा ने बताया था कि ये अपनी देवी को दे देना और इससे आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस समय राजन इनके पिता ने और वो फल आकर के अपनी जेठी रानी को दे दिया, दो रानी थी और राजन बहुत ममता थी आपस में उन दोनों की, बड़ा प्रेम था। देखिए जबकि सौतों में सौत मौत तो चाहती है लेकिन सौत नहीं चाहती है, माताएं मौत तो चाहती है लेकिन सौत नहीं चाहती है। लेकिन यहां पर देखिए उदाहरण, वो माता ने फल को आधा काटा, आधा अपने सौत को दे दिया, आधा अपन ने ले लिया, पान कर लिया, गर्भवती हुई थी राजन, और जब जन्म हुआ था तो आधा आधा जन्म हुआ था। देखिए जब आधा आधा जन्म हुआ था तो विचार किया ये तो परमात्मा ने बहुत बुरा किया, दोनों को वस्त्र में अलग अलग लपेट करके और नगर के बाहर प्रत्याग कर दिया था। एक राक्षसी का नाम था जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी, उसने देखा
वस्त्र को हटाया तो उसमें नन्हे से शिशु के दो फाक हैं। उस जरा ने विचार किया, उस जरा ने विचार किया कितनी सुंदर ये फाके हैं, अगर ये एक होता तो कितना सुंदर होता, एक होता तो कितना सुंदर होता। और ये विचार करके उसने विचार किया, देखो ऐसे जोड़ा होता तो कितना अच्छा होता। और जब ऐसा उसको जोड़ा तो जुड़ गया, जुड़ गए और दो के एक हो गए। और जब एक हो गया तो किलकारियां मारने लगा, कभी रोने लगा। जय हो। जरा नाम की राक्षसी ने, जरा नाम की राक्षसी ने विचार किया कि ये बालक अद्भुत बालक है, और ले जा करके, ले जा करके राजा को दिया। महाराज ये बालक इस प्रकार की इसकी स्थिति है, महाराज इसे आप पालिएगा। इसका नामकरण कहा, इसका नाम क्योंकि जरा के नाम, जरा ने इसको जीवन दिया, इसलिए इसका नाम जरा, जरा संधि होगा। अच्छा, जरा सिंध होगा, हाँ इसका नाम जरा सिंध होगा, वही जरा सिंध। अब देखिए यहां पर एक बात आई थी कि दो सौतों में किस प्रकार की मित्रता थी। एक मित्रता और बताऊं आपको जीती जागती। एक तो ये पृथ्वी मैया, ये पृथ्वी मैया भगवान की पत्नी है, और लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया भी पत्नी है। और जब पृथ्वी पर, जब पृथ्वी पर भार पड़ता है, जब पृथ्वी पर भार पड़ता है तो उसका भार जब पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, तब लक्ष्मी मैया को बड़ा दुख होता है। और लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया खेलने दो, खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लक्ष्मी मैया को ये सहा नहीं गया, मेरी सौत पर बहुत भार है, पृथ्वी पर रावण की आदि दैत्यों का बहुत भार है, तो मेरी सौत पर बहुत भार है। लक्ष्मी मैया ने विचार किया, मैं वैकुंठ में बैठी बैठी आनंद कर रही हूँ और मेरी सौत पर बहुत भार है। तो उस समय लक्ष्मी मैया भी अपनी सौत की पुत्री बन जाती हैं, अपनी सौत की पुत्री बन जाती है, यानी पृथ्वी की पुत्री बन जाती है, सीता बन जाती है, अपनी सौत की कूख से जन्म लेती है। सौत का कष्ट निवारण के लिए लंका में चली जाती है, लंका में। देखिए इस प्रकार से अब आज का जमाना तो अलग हो गया, अब वो नहीं होती हैं, पहले कई कई शादियां होती थी। और अगर ऐसी भी कोई शादी हो जाए वीरन जैसी, तो इस प्रकार से तालमेल बना करके मेरी माताएं बहुत विदुषी हुआ करती हैं इन कथाओं को सुन करके, इस प्रकार का तालमेल बनाए, भले ही फल अगर एक आया है तो आधा आधा पाले, और जब आधा आधा पालेंगी तो भले ही बालक आधा आधा हो, लेकिन परमात्मा की वो कृपा हो जाएगी कि किसी दिन एक हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आधा आधा नहीं होगा और दो होंगे, चार होंगे, कई हो, लेकिन फिर भी वो माताओं की शक्ति से ऐसे रहेंगे जैसे एक होकर, एक होकर के रहेंगे। इस प्रकार से राजन ये जरा सिंह। अच्छा, दूसरी बात एक और है, हम आप भी जुड़े हैं, हाँ हम आप भी जुड़े हैं, और पहचान नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये भागवती मंच है, पहचान बताने योग नहीं है। इसलिए हम आप भी जुड़े हैं, कभी किसी विद्वान ने अगर एकांत में बताया होगा तो आप जान गए होंगे, नहीं तो मुझसे पूछ लेना एकांत में। हम आप भी जुड़े हैं, और जुड़े हैं किस प्रकार से जुड़े हैं, सिले भी हैं। हाँ, अगर किसी के दिमाग में ना आ रहे हो तो पूछ लेना, लेकिन एकांत की बात है। चलिएगा,
जरासंध का भगवान श्याम सुंदर ने उद्धार किया और उसके पुत्र को वहां का राजा बनाया और जो मुकुट था उसका वो मुकुट लेकर के वहां से चले आए। भगवान श्याम सुंदर के साथ में आए, हस्तिनापुर में आए, यज्ञ शुभारंभ की वेला आई तो प्रथम पूज्य किसको रखना है। कहा उस समय भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के लिए कहा गया था कि कन्हैया को सबसे पहले कन्हैया की पूजा होनी चाहिए। उस समय शिशुपाल ने सौगाली दी थी, भगवान श्याम सुंदर ने उसका उद्धार कर दिया था। इसी प्रकार से यहां पर जो भगवान श्याम सुंदर से मिलने वाले कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो वहां पर अपनी देह को नहीं प्रत्याग नहीं किया था, वो भी वृंदावन में, क्योंकि भगवान का 100 वर्षों का बिछोड़ था। वो 100 वर्ष तक तपस्या करती रही भगवान श्याम सुंदर की याद में। लेकिन एक बार मैं करेरा में बैठा था, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई, बोली गुरुजी एक गीत लिख दीजिएगा। मैंने क्या लिख दूं बेटा? कहा गुरुजी ये धन ही है और कोई सुंदर सा गीत लिख दे। चलो मैंने कही ये बेटी नहीं बोल रही है, ये बेटी नहीं बोल रही है, कोई बच्ची नहीं बोल रही है, ये सरस्वती बोल रही है, ये सरस्वती बोल रही है, कुछ लिखवाना चाहती है सरस्वती जी। तो उस समय वो सरस्वती मैया ने गीत दिया, लिखा था उन गोपियों के लिए जो 100 वर्ष आस लगा करके वृंदावन धाम में विराजित थी, उनके लिए गीत दिया था। क्या था? गुबारा मुरदे क्योंकि गोपियां, अब देखिए गीत पुराना नहीं है, ये गीत पुराना नहीं है, ये बालक भी बैठे हैं जिनके समक्ष है। ये गीत सरस्वती मैया ने दिया था, मैंने नहीं रखा था। जय हो। गोपियां कह रही हैं कि देखो ना, ये गीत माताओं को समर्पण है। जय हो। माताओं आपके लिए ये गीत समर्पण है। ए देखो ना दोबारा मोरो देश, गोपी कह रही है देखो ना दोबारा मोरो देश, कन्हैया मो स्वरूप हो गए। जितना गए हते वे घर सो, जितना गए हते वे घर सो, घर सो कड़े बीत गई बरसों, घर सो कड़े बीत गई बरसों, आई पाती ना कौनो संदेश, कन्हैया मो स्वरूप हो गए। Oh,
जैसे बिना संत के धूनी, 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 सजनी साजन बिना भूनी, सजनी साजन बिना भूनी, आली कैसे आली की को सोना हूँ जो कले से कन्हैया मुझसे रूप गई, आली को सोना हूँ जो कले से कन्हैया मुझसे रूप गई। बिसरे बिसराई बेराते बिसरे बिसराई राते, हर बिसरे बिसराई बेराते, और रात नहीं बिसरती कौन सी, बिसरे ना बिसराई के बाते, बिसरे ना बिसराई के बाते, हाँ कौन सी, बजकी बेबेरन बरसाते, बजकी बेबेरन बरसाते, सुंदर रास रसन की से आते, कब सुंदर बिना बाबूरी बना गए बेबेरन से कन्हैया मुझसे वृंदावन बिहारी लाल की जय, क्या बात है साहब, आनंद आ गया, जय हो। हाँ साहब देखिए, क्योंकि मैंने विचार किया वैसे इसे और भी धुन में गा सकते हैं हम, इस गीत को और भी धुन में गा सकते हैं, लेकिन लेकिन मैंने इसलिए नहीं गाया कि हमारी माताओं के लिए ये गीत हो जाए, इसलिए मैंने नहीं गाया था इसे। और चलते हैं भगवान भगवान की लीलाओं को सुनकर के, लीलाओं को सुनकर के उस समय प्रज्ञ महाराज ने कहा, गुरुजी किसी भक्त की कथा सुनाइएगा, किसी भक्त की कथा सुनाइएगा। उस समय कहा, राजन हे परीक्षित, हे भारत, हे भारत, हे भारत, हे परीक्षित, हे विष्णु राज, मैं आपको एक सुंदर से भक्त की कथा सुनाता हूं, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर का जो चिंतन करते हैं अनन्य भाव से, वो भगवान उसकी चिंता करते हैं। जैसे कि भगवान राघवेंद्र सरकार अपने अपने लाले भरत का भजन किया करते थे, इसी प्रकार से हमारे श्याम सुंदर जैसे कि भीष्म पितामह का भजन करते थे, हमारे श्याम सुंदर भीष्म पितामह का भजन करते थे। हाँ एक दिन रो रहे थे कन्हैया, रो रहे थे उस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया था, कन्हैया क्या कोई हमसे भूल हो गई,
आप क्यों रो रहे हो? तो कन्हैया ने बताया था, दादाजी युधिष्ठिर जी, धर्मराज जी, मुझे जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं उस प्रकार से उसका भजन करता हूँ। कहा तो रो रो कर कौन आपका भजन कर रहा है? कहा इस समय सरसैया पे लेटे 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 मेरे भीष्म पितामह मेरा भजन कर रहे हैं रो रो करके, इसलिए मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का रो रो कर भजन कर रहा हूँ। तो भगवान को जो भक्त जिस प्रकार से भजता है उसको उस प्रकार से भगवान भजते हैं। चलिए परिचित जी, एक सुदामा नाम के जो कि भगवान श्याम सुंदर के बचपन के सखा थे, छात्र काल में बचपन के जो सखा थे, शांदीपन मुनि के आश्रम के सखा थे। एक दिन भोजन प्रसादी नहीं बनी, बच्चे भूखे थे। उनकी पत्नी ने कहा, नाथ बच्चे भूखे हैं, आज ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की चढ़ोतरी में कोई द्रव्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो आज भोजन की व्यवस्था नहीं है। देवी आज नहीं है तो कल हो जाएगी, और कल में को कल नहीं आया जो भोजन बन जाए। जय हो। तो कल में वो कल नहीं आया जिस कल में भोजन बन जाए। और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दिन आठ दिन बीत गए, जब भोजन ठाकुर जी पर कुछ चढ़ोतरी नहीं आई, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जो प्राप्त हो जाता था उसे वो भोग प्रसाद पाक मान करके और पान करते थे। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, नाथ मैंने सुना है कि आपके सखा श्याम सुंदर जो द्वारका नाथ हुआ करते हैं, तो क्या चाहती हो देवी उससे कुछ मांगने के लिए चले जाए? समझ गई सुशीला जी, समझ गई। कहा देवी सुशीला, शिक्षक हो सिगरे जग को, मैं सारे जग को शिक्षा देता हूं। शिक्षक हो सिगरे जग को, पिता को ही तू दे तो है शिक्षा, मुझे तू शिक्षा दे रही है। देवी जो जप के परलोक सुधारत संपत की, तिनको नहीं इच्छा, मुझे संपत की इच्छा नहीं है देवी, मैं भगवान, मैं अपने मित्र कन्हैया के पास में नहीं जाऊंगा। देवी मेरे ही ये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में उन भगवान के पद पंकज हैं, और अगर तुम चाहो तो हनुमान जी जैसा रैदास जैसा, ये हो जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपने सीने को चीर करके राम लक्ष्मण को दिखा दिया, राम लक्ष्मण सीता जी को दिखा दिया था। देवी अगर तुम चाहो, हाँ केवल सतयुग त्रेता में नहीं होता था ऐसा, ये जो रैदास भक्त हो गए हैं इन्होंने भी अपना सीना चीर करके, रैदास भक्त ने, देखिए भक्त को ही ऐसा नहीं होता कि किसी जाति में भक्त ना हो, हाँ ये जाति के भले ही रैदास थे, लेकिन रैदास भक्त को जब ताना दिया गया कि तुम जनेऊ धारण क्यों नहीं करते हो अगर तुम भगवान के भक्त वैष्णव हो, तो उस समय रैदास ने भी अपने सीने को अपने नाखूनों से जैसे हनुमान जी ने चीर दिया था वैसा चीर करके और सुनने का जनेऊ दिखा दिया था निकाल के। Thank you.
अच्छे काम में क्यों विलंब। देखिए सुदामा जी भी आने वाले हैं और यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर का दरबार तो लगा है, लेकिन हमारी रुक्मणी मैया और श्याम सुंदर नहीं है। जय हो। तो प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे कि हमारे कन्हैया और हमारे रुक्मणी मैया तुरंत आ जाएं और जल्दी आ जाएं, दर्शन में सबको कृतार्थ हो जाएंगे। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, अगर तुम चाहती हो देवी तो मैं अपना सीना खोल करके अपने कन्हैया के चरणों का दर्शन करा देता हूँ। और बारह हजार देखो परीक्षा, अगर तुम्हें परीक्षा करनी है तो मैं परीक्षा देता हूँ देवी। और को धन चाहिए बाबरी, और को धन चाहिए बाबरी, बमन को धन के बल भिक्षा। जय हो। अगर अगर भगवान की प्रसादी प्राप्त नहीं हुई है, चढ़ावा नहीं चढ़ाया है, तो मैं भिक्षावृत्ति कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन मित्र के द्वार पर जाकर के हाथ नहीं फैला सकता। मेरा धर्म है, मैं भिक्षावृत्ति तो कर सकता हूँ, लेकिन मित्र के सामने हाथ नहीं फैला सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि जिसके ये हाथ दान लेने के लिए, क्योंकि दान लेने का अधिकार किसी को होता है, और अनाधिकारी अगर दान लेता है तो वो हाथ जले के समान हो जाते हैं। वो हाथ जले के समान हो जाते हैं जो अनाधिकारी दान लेता है। इसलिए अनाधिकारी को दान नहीं लेना चाहिए, और दान देना चाहिए किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दान लेने योग्य हो, जो दान लेने योग्य हो, क्योंकि विद्वानों का मत है। आ गए सुदामा जी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तो पहले ए सुदामा जी नहीं है जी। वाह क्या पाल है। अच्छा साहब ये द्वार पाल है। ये द्वार भी है और पाल भी है। वाह। और ये पालनहारे भी है, द्वारपाल है। चलिएगा अब वो पालनहारे भी आएंगे और जल्दी से आएंगे इस समय। चलिए अब कथा को बढ़ाना नहीं है। अच्छा ए द्वारपाल जी सुदामा जी तो वहां से आएंगे सीढ़ियों से। हाँ जहां से पीढ़ियों से आते रहे उन सीढ़ियों से आएंगे। हाँ जहां से पीढ़ियों से आते रहे उन सीढ़ियों से आएंगे। यहाँ आइए। उस समय भगवान श्याम सुंदर द्वारका में हैं। यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी का और सुदामा जी का ये संवाद हुआ। और सुदामा जी चले तो देखिए चले और आने वाले हैं। चले अब उनकी रास्ता की बात हो जाए। चले जब तक आ रहे हैं, जब तक रास्ता की बात हो जाए, जल्दी से हो जाए। सुदामा जी आए और सुदामा जी जब चले तो भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, विपन्न ब्राह्मण है ये, विपन्न ब्राह्मण जी जीर्ण शीर्ष की काया है, तो माया के द्वारा भगवान ने एक नदी के किनारे पर स्थापित कर दिए रात्रि के सोते समय। वहां पर हमारे श्याम सुंदर नौका लेकर के आ गए। नौका लेकर के आ गए और कहने लगे, भैया किसी को उस पार जाना है, द्वारका जाना है। वो क्या दे दूत्राई और
नाव लेकर के आ गए भगवान श्याम सुंदर, केवट बने, केवट बने। अच्छा केवट, केवट एक बार नहीं बने, केवट केवट एक बार नहीं बने श्याम सुंदर, तीन तीन बार केवट बने। लेकिन समय नहीं होता है, समय नहीं होता है, भगवान तीन तीन बार केवट बने नाव खेलने के लिए। हाँ केवट बने और कहने लगे, भैया अगर उस पार जाना हो, किसी को द्वारका जाना हो तो आइए राजिए मेरी नाव में। सुदामा जी, सुदामा जी ने कहा काज जाना तो मुझे भी है, तो आइए आइए महाराज जी बैठ। आप समझो अंतरा से शुरू होना है जी। अच्छा।